युवा ने ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने कोतवाली प्रभारी को सौंपा ज्ञापन, मामला हुआ दर्ज। यादव समाज के एक युवा का मंगलवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसके द्वारा ब्राह्मण समाज और सरकार को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इसको लेकर ब्राह्मण एकता परिषद गुना के द्वारा बीती शाम भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के युवाओं और पदाधिकारियों ने मिलकर थाना कोतवाली प्रभारी मदन मोहन मालवीय को धर्मेंद्र यादव आरोन के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इसके उपरांत मामले को संज्ञान में लेते हुए कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र यादव के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसके उपरांत ब्राह्मण एक परिषद का क्रोध शांत हुआ। संख्या में ब्राह्मण वहां से भाग गया है, जबकि 114 वीर हीरो ने अपने कदम नहीं हटाए, 14,000 सैनिकों के सामने बिगर हथियारों के वहां पे लड़ते रहे और आज रेजांगला भारत का हिस्सा है। बुजदिल कौन है? जब 114 वीर हीरो ने अपने कदम पीछे नहीं किए और जितने ने भी गोली खाई, सारे के सारे जब 3 महीने बाद वहां पर गए सेना के उच्च अधिकारी, तो सभी के सीने पर गोलियां थी, एक ने भी पीठ पे गोली नहीं खाई और आप 4 लाख की संख्या में भाग कर आ गए। बुझ दे लो आप तो, और उसका प्रचार कर रही है मीडिया सरकार। कल मैं देख रहा था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के वैभव पवार अपनी टीम के साथ सभी को टिकट वितरण करके और द कश्मीर मूवी दिखाने ले जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष, सारी बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, सरकार, मीडिया, सभी के सभी इसको दर्शाने में लगी है कि देखो 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 ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है। अरे कहां से अत्याचार हुआ, अरे बुझ दे लो। और मैं तो ये मानता हूँ हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और अगर आप लड़ नहीं सकते तो आप मर जाओ। कदम कदम पर लड़ना होगा, आप लड़े ही नहीं, आप कैसे भागकर आ गए? आप भारत के वासी थे, आपको वहां पे रुकना था ना। जब रेजांगला में युद्ध हुआ तो 114 वीर हीर क्यों डटे रहे? क्योंकि वो सच्चे देशभक्त थे, वो देश के जाबाज सिपाही थे, और वे उस कौम से आते थे पिछड़े वर्ग की यादव कौम से, कि मरना पसंद किया उन्होंने, भागना नहीं किया। और आप मौत को देखकर भागे, हार तो वही हो गई आपकी, और अब दर्शा रहे हमारे साथ अत्याचार। क्या नाम है आपका? पंडित अमित शर्मा, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला अध्यक्ष। क्या मामला है? मंगलवार दिनांक को रात्रि 8:56 पर धर्मेंद्र सिंह यादव जी हैं निवासी आरोन, उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने डरपोक, कायर और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ और सीधा उन्होंने साथ में सरकार के ऊपर निशाना साधा है। यह टिप्पणी किस संबंध में की गई है? अभी जो कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी जो मूवी लगी हुई है और उसके साथ में उनको पता नहीं एकदम से क्या दिमाग में विचारधारा आई, वो एकदम से सोशल मीडिया खुले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी करना उन्होंने शुरू कर दी, और इसी के खिलाफ हम सभी को क्षति महसूस हुई। सभी संगठन के पदाधिकारी सदस्यगण एक साथ मौजूद हुए और कल शाम को हम लोग पहुंचे सिटी कोतवाली थाना और वहां पहुंचकर आवेदन सौंपा। इसके पश्चात 505 का मुकदमा आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।